नमस्कार दोस्तों, इजलास में आपका फिर से स्वागत है। मैं एडवोकेट दीपक आज आपको बताऊंगा ताजमहल के ऊपर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के बारे में। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर रजनीश सिंह ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन लगाई थी कि भाई ताजमहल के अंदर 22 ऐसे कमरे हैं जिनको खोला नहीं गया है और जिनके अंदर हिंदू देवी देवताओं की प्रतिमा हो सकती है। और उन्होंने कहा कि भाई फैक्ट फाइंडिंग के लिए एक कमेटी बनाने का भी कोर्ट ऑर्डर करे कि भाई जिसमें जो यमुना नदी की तरफ जो गेट है वो बंद हो गया है, उसकी स्टडी करवाई जाए। तो ऐसे में जो कंट्रोवर्सी है कि भाई ताजमहल है या तेजो महल्ले है वो ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों, ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया और उन्होंने कहा कि भाई ये हिस्टोरियन का मामला है, ये कोर्ट का मामला नहीं है। और ऐसे में जो फैक्ट फाइंडिंग की बात है वो आर्कियोलॉजी वाले करेंगे। तो मैंडमेस की रिट तब इशू होती है जब कोई किसी का राइट का ब्रीच हो, और यहाँ पे किसी के राइट का ब्रीच नहीं है। तो ऐसे में उन्होंने इस पिटीशन को डिसमिस कर दिया। तो दोस्तों, एक्चुअल में अगर उन कमरों में कुछ है तो उसको खोल के आर्कियोलॉजी सर्वे वालों को दिखा देना चाहिए ताकि ये कंट्रोवर्सी ख़त्म हो जाए। मेरा मानना ये है, सबका अपना पर्सनल ओपिनियन हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो में जानकारी सही लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। थैंक यू।